क्या राज ठाकरे 9 अप्रैल को बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल होने का ऐलान करेंगे? क्या राज ठाकरे का बीजेपी के साथ सीट पर समझौता हो गया है? या महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे उन सारी अफवाहों पर विराम लगाएंगे जो उनकी और बीजेपी के गठबंधन की अटकलें लगा रही हैं? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। बावजूद इसके उसका अपना अस्तित्व है और वो कुछ सीटों पर वोट काटने की स्थिति में है। इस साल 9 मार्च को 18 साल की हो चुकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए ये साल बहुत अहम है। इसी कड़ी में 9 अप्रैल को राज ठाकरे ने एक बड़ी रैली आयोजित की है। इस रैली में क्या होगा, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे मराठी नववर्ष यानी गुड़ी पाड़वा के शुभ मौके पर एक सभा को संबोधित करने जाने वाले हैं। हालांकि हर साल वो गुड़ी पाड़वा के दिन सभा को संबोधित करते हैं, लेकिन ये साल खास है क्योंकि कुछ हफ्ते पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और तभी से महाराष्ट्र की सियासत बदल जाएगी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि एमएनएस एनडीए का हिस्सा बनेगी, तो दूसरी तरफ शिवसेना की कमान एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के हाथों में सौंपी जाएगी। साथ ही लोकसभा चुनाव में लगभग 3 सीटों पर एमएनएस अड़ी हुई है, जिसमें सिर्फ एक सीट देने के लिए बीजेपी राजी है। वो भी वो चाहती है कि शिवसेना के सिंबल धनुष बाण पर लड़ा जाए। अब इन सारी अटकलों के बीच राज ठाकरे का एक टीजर जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब वो इस रैली में देंगे। 9 अप्रैल को शाम को जिस शिव तीर्थ पर यानी छत्रपति शिवाजी पार्क पर ये रैली होने वाली है, वहीं पर हम फिलहाल मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जोर शोर से तैयारी शुरू है। यहाँ पर आसन व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ हर जगह एमएनएस का झंडा यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब देखना ये जरूरी है कि राज ठाकरे इस मंच से क्या घोषणा करते हैं और इस मराठी नूतन वर्ष के दिन क्या वो महाराष्ट्र की सियासत में एक नया झंडा लहराते हैं और साथ ही महायुति के साथ गठबंधन में शामिल होकर अपने भाई उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका देते हैं। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।